हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू एमकेएस बायोविजन। आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज प्लॉइडी। प्लॉइडी क्या है? चेंज इन क्रोमोजोम नंबर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्लॉइडी। प्लॉइडी को दो भाग में बांटा जा सकता है, यू प्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहां हम देखते हैं यूप्लॉइडी में जो बेसिक सेट होता है क्रोमोजोम का, यदि X एक बेसिक सेट है तो ये 3X, 4X, 5X, 6X, 7X इस तरह से वो आगे बढ़ेगा। यानी अब ये बेसिक सेट क्या है कि डिपेंड, ये इस बात पर डिपेंड करता है एंसेस्टर क्या है, वो उसका एंसेस्टर का जीनोटिपिक कंपोजिशन क्या है, उसका 2N क्या है। जो लोएस्ट लेवल होगा एंसेस्टर में, लोएस्ट डिप्लॉइडी लेवल होगा एंसेस्टर का, उसका हैप्लॉइड नंबर ही एक्स कहा जाता है। यानी कि कोई ऑटो टेट्राप्लॉइड है तो वो टेट्राप्लॉइड किससे बना है? वो डिप्लॉइड से बना है। और डिप्लॉइड जो उसका एंसेस्टर है जिससे वो बना है, उसका जो हैप्लॉइड, उसमें हैप्लॉइड जो नंबर होगा वही एक्स होगा। यूप्लॉइडी दो तरह के होते हैं, ऑटोप्लॉइड एंड एलोप्लॉइड। ऑटोप्लॉइड वो यूप्लॉइड होते हैं जिसमें जो क्रोमोजोम नंबर है वो एक ही स्पेसीज के होते हैं, जबकि एलोप्लॉइड में क्रोमोजोम डिफरेंट स्पेसीज के होते हैं। तो एलोप्लॉइड को भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज जो हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसका नाम है ऑटोप्लॉइड। ऑटोप्लॉइड, ऑटोप्लॉइड। अब ऑटोप्लॉइड की स्टोरी यहां से शुरू होती है कि यानी कि यूप्लॉइड दो तरह के हो गए, इसमें एक ऑटोप्लॉइड और दूसरा एलोप्लॉइड। ऑटोप्लॉइड में क्रोमोजोम सेम ही स्पेसीज के होते हैं। यदि अब इसमें देखते हैं कि एक सेट है क्रोमोजोम का तो इसको हम मोनोप्लॉइड कहते हैं। इसको मोनोप्लॉइड को हम एंथर या एग के कल्चर से बना सकते हैं। ट्रिप्लॉइड यानी कि तीन बेसिक सेट होते हैं। टेट्राप्लॉइड में 4 ट्रिप्लॉइड। ऑटोप्लॉइड के एग्जांपल है सीडलेस वाटरमेलन, ग्रेप, बनाना, यानी कि वैसे फ्रूट है जिसमें सीड का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ, नहीं चाहिए हमें उसका। कॉमर्शियल जो है इम्पोर्टेंस सीड के कारण घटता है, इसलिए उसमें हम सीड को रिमूव करने के लिए उसमें ट्रिप्लॉइड इंड्यूस करते हैं। या ये ट्रिप्लॉइड जो भी ऑर्गेनिज्म है ये मेंटेन्ड होते हैं क्लोनल प्रोपगेशन के कारण, क्योंकि इसमें सीड नहीं होते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन सीड के थ्रू नहीं आएगा, तो इसके लिए हम या तो कंद या टिश्यू कल्चर पर डिपेंड करते हैं। टेट्राप्लॉइड यानी कि 4X, इसके एग्जांपल हैं बरसीम, पोटेटो, कॉफी। दीज आर द नेचुरल टेट्राप्लॉइड्स, मतलब नेचर में ये खुद अपने डिप्लॉइड पेरेंट्स से ओरिजिनेट किए हैं। हेक्साप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड का जो एग्जांपल है ये भी नेचर में खुद अपने आप बना है, दैट इज स्वीट पोटेटो। ऑटो ट्रिप्लॉइड है तो इसमें क्रोमोजोम की संख्या 33 है, 3X 33। पोटेटो में 4X है तो इसमें जो टोटल क्रोमोजोम की संख्या है वो 48 है। पीनट में 4X की संख्या 40 है। यूप्लॉइडी इज टॉलरेटेड बाय प्लांट। इन प्लांट्स यूप्लॉइडी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ओरिजिन ऑफ ए न्यू स्पेसीज। प्लांट के केस में यूप्लॉइडी काफी कॉमन होता है। स्पेसिएशन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्पेसीज उसमें ये हेल्प करता है। यूप्लॉइडी इज लीथल इन एनिमल्स। इट ए यूप्लॉइड एनिमल सर्वाइव्स बिकम्स स्टेराइल। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, पॉलीप्लॉइड ऑयस्टर, सेलेमेंडर, फिश। दीज आर सम एनिमल्स वेयर यूप्लॉइडी हैज बीन रिपोर्टेड। आवर फोकस ऑफ अटेंशन इज ओनली ऑटोप्लॉइड। ऑटोप्लॉइड ही आज का टॉपिक है मेनली। ये हमने उसके प्लॉइडी के बैकग्राउंड को बताने के लिए मैंने ये केवल प्लॉइडी के बैकग्राउंड को बताया गया है। इसमें मोनोप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, ये सारे जो हैं आप बेसिक सेट के डिफरेंट नंबर्स हैं या हायर प्लॉइडी लेवल है
जैसे मोनोप्लॉयड में क्या है कि ये एंथर कल्चर या एक कल्चर से बन सकता है, ट्रिप्लॉयड में तीन सेट होते हैं आइडेंटिकल क्रोमोजोम के, तीन सेट होते हैं, टेट्राप्लॉयड में आइडेंटिकल क्रोमोजोम के फोर सेट्स होते हैं, हेक्साप्लॉयड में आइडेंटिकल क्रोमोजोम के सिक्स सेट्स होते हैं, सिक्स सेट होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये जो मल्टीपल सेट ऑफ आइडेंटिकल क्रोमोजोम है इसके कारण नॉन डिसजंक्शन होता है, नॉन डिसजंक्शन होता है यानी कि मेटाफेज में जो क्रोमोजोम्स है वो रेगुलर वे में सेग्रीगेट नहीं करते हैं जैसा कि डिप्लॉयड में होता है। इसमें भी ये देखा गया है कि जो भी ऑटोप्लॉयड्स हैं इसमें जो ऑड नंबर वाले ऑटोप्लॉयड्स हैं, फॉर एग्जांपल मोनोप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, पेंटाप्लॉयड, हेप्टाप्लॉयड, तो ये सारे ये जनरली स्टेराइल होते हैं, लेकिन इवन नंबर वाले जो प्लॉयड होते हैं इसको ऑटोप्लॉयड लिखते हैं, बेटर वी राइट इट ऑटोप्लॉयड। इवन नंबर वाले ऑटोप्लॉयड हैं 4x, 6x, 8x, 10x, ये पार्टली फर्टाइल होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द होमोलॉजी ऑफ जीन्स यूप्लॉयड कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। ये जो यूप्लॉयड है वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, ऑटोप्लॉयड यानी कि सेम ही तरह के क्रोमोजोम, सेम स्पेसीज के क्रोमोजोम, एलोप्लॉयड जिसमें डिफरेंट स्पेसीज के क्रोमोजोम पाए जाते हैं, ऑटो एलोप्लॉयड जिसमें सेम स्पेसीज के भी मल्टीपल क्रोमोजोम पाए जाते हैं, डिप्लॉयड से ज्यादा पाए जाते हैं, और डिफरेंट स्पेसीज के भी क्रोमोजोम होते हैं और सेम स्पेसीज के भी क्रोमोजोम होते हैं, वैसे उसको हम ऑटो एलोप्लॉयड कहते हैं। और सेगमेंटल एलोप्लॉयड का मतलब है देयर इज रीजनल सिमिलैरिटी बिटवीन द क्रोमोजोम्स प्रेजेंट इन ए पॉलीप्लॉयड एंड देयर एग्जिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द क्लोनल प्रोपगेशन, या तो कंध के थ्रू ये मल्टीप्लाई करते हैं या फिर टिश्यू कल्चर के थ्रू हम इसका प्रोपगेशन करते हैं। ट्रिप्लॉयड दूब भी, जो साइनोडॉन डेक्टाइलॉन दूब ग्रास भी ट्रिप्लॉयड है, दूब तो ट्रिप्लॉयड, कभी हम दूब में फूल नहीं देखते हैं, वी कैन नॉट सी फ्लावर इन दूब। ऑटोप्लॉयड एग्जिबिट रेंडम क्रोमोजोम सेग्रीगेशन, जैसा कि हम जानते हैं कि इसी तरह के क्रोमोजोम होते हैं तो रेगुलर सेग्रीगेशन होता नहीं है। पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ए ऑटो ट्रिप्लॉयड, फॉर एग्जांपल एक ऑटो ट्रिप्लॉयड को देखें तो इसमें कितने तरह के, इतने तरह के जीनोटाइप हो सकते हैं, क्वाड्रिपल सारे के सारे डोमिनेंट, नलीप्लेक्स क्वाड्रिप्लेक्स सारे के सारे डोमिनेंट, नलीप्लेक्स सारे के सारे रिसेसिव, एक डोमिनेंट यदि रहा तो ट्रिप्लेक्स, दो डोमिनेंट रहा तो डुप्लेक्स, और तीन डोमिनेंट रहा तो मोनोप्लेक्स। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ जीनोटाइप, ऑल द टेट्राप्लॉयड्स आर पार्टली स्टेराइल, ट्रिप्लॉयड जितने हैं वो तो सारे के सारे स्टेराइल होते हैं लेकिन टेट्राप्लॉयड पार्टली स्टेराइल होते हैं, इट इज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोजोम। फाइनली हम आखिर ऑटोप्लॉयड को कैसे बनाते हैं, हाउ ऑटोप्लॉयड्स आर फॉर्म इन नेचर और इट इज आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड, हाउ ऑटोप्लॉयड्स आर फॉर्म इन नेचर और आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर माइटोटिक डिवीजन इन सोमेटिक सेल प्रोड्यूसेस ऑटोपॉलीप्लॉयड, इसमें कोल्चिसिन से भी हम इंड्यूस कर सकते हैं क्योंकि जब हम कोल्चिसिन का इंडक्शन करते हैं तो कोल्चिसिन इज ए माइटोटिक पॉइजन, ये क्या करता है स्पिंडल फाइबर को तोड़ देता है, तो मेटाफेज में दोनों पोल के क्रोमोजोम एक ही सेल के अंदर रह जाते हैं, दो अलग अलग सेल नहीं बन पाता है, इसलिए वो जो पर्टिकुलर सेल होता है वो टेट्राप्लॉयड हो जाता है क्योंकि दोनों सेल के क्रोमोजोम 2n+2n मिलके टेट्राप्लॉयड बना लेते हैं।
दूसरा जो रीजन है फ्यूजन ऑफ टू सोमेटिक सेल्स ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म इन कल्चर। एक ही लिनिएज के जब दो सेल किसी कल्चर मीडियम में फ्यूज कर जाते हैं तो उससे भी टेट्राप्लॉयड बनता है। थर्ड रीजन है डिलीशन ऑफ एलो क्रोमोजोम फ्रॉम ए पॉलीप्लॉयड। कोई एलो पॉलीप्लॉयड है तो उसमें एक ही स्पीसीज के क्रोमोजोम रहते हैं और दूसरे स्पीसीज का क्रोमोजोम यदि डिलीट हो जाए तो वो ऑटोप्लॉयड बना लेते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन विथ अनरिड्यूस्ड गैमिट, यानी कि अनरिड्यूस्ड गैमिट टू एन गैमिट डिप्लॉयड गैमिट्स। यदि डिप्लॉयड गैमिट्स एक नॉर्मल गैमिट्स के साथ, सपोज ये डिप्लॉयड एग है और ये नॉर्मल पॉलन है, ये दोनों मिलेगा तो ये ऑटो ट्रिप्लॉयड बनेगा, क्योंकि एक ही स्पेसीज के ये गैमिट हैं और ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाई वी नीड ऑटो पॉलीप्लॉयड, ऑटो प्लॉयड को हम क्यों प्रेफर करते हैं या क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। इसके कुछ एडवांटेज हैं। ऑटो प्लॉयड्स में लार्ज फ्रूट साइज होता है और लीफ साइज, यानी कि जो फोलियज होता है वो लार्ज होता है, प्लांट का साइज बड़ा होता है, तो वो हमारे कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस का होता है। दूसरा, चूंकि ये स्टराइल होते हैं इसलिए इसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो जहां कहीं भी सीडलेस फ्रूट की जरूरत पड़ती है उसमें हम ऑटोप्लॉयडी इंड्यूस करते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज कौन से हैं? डिसएडवांटेज ये इसका जनरली ये है कि इसमें एक ही तरह के जीन के कई डोज पाए जाते हैं, इसीलिए ये डिजीज ससेप्टेबल है। इसके जीन में डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है इसलिए ये डिजीज ससेप्टेबल है। दूसरा, ये स्ट्रेस इनटॉलरेंट है, चाहे ड्रॉट टॉलरेंट हो या मेटल टॉलरेंट हो, ये स्ट्रेस इनटॉलरेंट होते हैं। इट इज ऑल्सो ड्यू टू द लैक ऑफ डाइवर्सिटी इन इट्स जीनोम। तो इस तरह से हमने डिफरेंट aspects ऑटोप्लॉयड्स के डिफरेंट aspects को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एलोप्लॉयड्स और इसके बाद फिर हम लोग एनुप्लॉयड्स के भी वीडियो देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।